हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक और फिर दवाई लेके आया हूँ। इसका नाम है लुलिकोनाजोल क्रीम। आप ये अमूमन कहीं सुना होगा डॉक्टर से या दोस्तों से या कहीं टीवी में ऐड देखा होगा। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ली फोर्ड कंपनी का है। तो लुली फोर्ड क्रीम, ये आपका जो ये है आपका जो सॉल्ट कंपोजिशन, ये है सॉल्ट नेम लुलिकोनाजोल क्रीम। ये है 1% लुलिकोनाजोल। तो आप इसे देखेंगे, ये है 20 ग्राम का। ये सस्ता नहीं है, मार्केट में अगर जाएंगे तो ये सबसे बेस्ट क्रीम है, एंटी फंगल क्रीम है। जैसे आपको किसी भी लोगों को, जैसे किसी को भी एंटी फंगल कुछ इशू आता है, जैसे एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल, जैसे कि कहीं स्किन में कुछ इशू आता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्रीम है ये। ये कम से कम मान के चले कि 255 रुपये का ये ट्यूब है 20 ग्राम का। ये थोड़ा दवाई थोड़ा महंगा आता है, लेकिन ये सबसे असरदार मार्केट में आपको अवेलेबल है। इससे बेहतर आपको क्रीम को ही नहीं मिलेगी। ये नंबर एक का क्रीम है और आपको डॉक्टर अगर रेकमेंड करेगा तो यही करेगा, क्योंकि इसे लगाने के बाद आपका जो कोई भी फंगस है, आपका स्किन में कोई भी इशू है, जैसे कि जो फंगल रिलेटेड है या बैक्टीरियल या माइक्रोबियल रिलेटेड है, तो उसको ये तुरंत ही हफ्ते भर में ही ख़त्म करके ठीक कर देता है। दूसरे क्रीम की तरह नहीं कि, और हाँ एक बात, ये नॉन स्टेरॉयड है। नॉन स्टेरॉयड मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको लगाने के बाद में जब तक लगाएंगे तब तक ठीक हो जाएगा इसको, फिर लगाने के फिर जैसे आप लगाना छोड़ देंगे तो फिर बीमारी वापस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप एक बार लगा देंगे तो बीमारी आपकी परमानेंट ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको इसका कुछ जानकारी मैं आपको आपको बता देता हूँ। इसको आप दिन में 2 बार से ज़्यादा मत लगाइएगा, और इसको लगाना है तो आप पहले नहा लीजिएगा। नहा के जैसे तौलिया से एकदम पोंछ के एकदम सुखा लीजिए पहले जहाँ सिन पे जहाँ पे इसको आपको लगाना है, और फिर इसको अच्छे से मलिए। और जैसे कि मान के चलिए कि आपका अगर जो रिंग है या रिंग वॉर्म है, जैसे कि आपका दाग खाज खुजली हो जाता है, तो उससे जैसे कि मान के चलिए कि अगर वो 1 इंच की गोलाई में है या छोटा सा जगह है, तो क्रीम को थोड़ा दूर उसके और दूर तक फैला के लगाइए, ताकि वो आगे बढ़े ना, उसको रुक जाए, उसकी जो बढ़त है उसको वहीं ख़त्म कर दें। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। जैसे कि इस दवा का उपयोग इसके एंटी फंगल गुणों के कारण फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह अपने कोशिका झिल्ली की वृद्धि को रोककर फंगस को मारता है। जैसे कि मनका जो फंगस का जो जैसे मन का देखते हैं फंगस आप देखते हैं, तो फंगस एक रिंग का शेप बनाता है। तो ये क्या करता है, उस रिंग को मतलब केमिकल ऐसा करता है कि उसकी ग्रोथ को बंद कर देता है। वो रिंग जो बनाते हैं जो बैक्टीरिया, उसको बंद करके जो फंगस है उसको रिंग को तोड़ देता है। तो जब रिंग टूट जाता है तो बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने लगते हैं, क्योंकि उनको बॉडी से प्रोटीन और जैसे जो विटामिन जो उनको चाहिए होता है जीने के लिए वो नहीं मिलता है। और धीमे धीमे वो जो होता है जो छल्ला होता है टूट जाता है, छल्ला टूट कर फिर छोटे छल्ले बनाने लगते हैं फंगस, लेकिन वो छोटे छल्ले भी टूटने लग जाते हैं, फिर वो धीमे धीमे मर जाते हैं, और इस प्रकार वो बीमारी को रोकता है। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं, तो यदि आप किसी भी प्रिस्क्रिप्शन या नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ, हर्बल दवाइयाँ और आहार की खुराक ले रही हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। यदि आपको लुलिकोनाजोल या किसी भी संबंधित दवा और भोजन से एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर को बताएं। ये जानकारी महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी जटिलता और अनावश्यक दवा इंटरेक्शन को रोका जा सके। जैसे कि आप मान के चले कि आपको कहीं जैसे इसमें कहीं प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्या करना है कि जो कि आपका प्रभावित क्षेत्र है, जो आपका त्वचा का जहाँ पर एरिया है जहाँ पर दिक्कत है, उसको अच्छी तरह से साफ करके सुखा लें। बेहतर होगा कि आप उसको नहाने के बाद करें। जैसे नहाने के बाद आप उसको सुखा के तौले से सुखा के देन इसका आपको दवाई को लगाइए। इसके ऊपर लुलिकोनाजोल का क्रीम लगाएं और लगाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। ये नहीं कि आपने धोना भूल गया और आप उसे सामने खाने लगें, तो वो गलत होगा आपके लिए सही नहीं होगा। उपचार के दौरान क्रीम का उपयोग जारी रखें ताकि संक्रमण पूरी तरह से साफ हो जाए। ये नहीं कि आपने लगाया और आपको लगा कि अब ठीक हो गया, आपने लगाना बंद कर दिया, नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वो जो इन्फेक्शन है अब नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी 1 से 2 हफ्ते तक उसको जारी रखें, ताकि आपका जो बीमारी है वो परमानेंट ख़त्म हो जाए। इसका एकमात्र संभावित आम साइड इफ़ेक्ट में त्वचा की जलन है। अधिक गंभीरता दुष्प्रभाव के में से कुछ को चिकित्सा की आवश्यकता होती है, जिनमें मुंह और चेहरे की सूजन, रैशेज, सांस लेने में कठिनाई और छाती में जकड़न होता है। लेकिन अमूमन ये क्रीम देखा गया है कि ये क्रीम बहुत असरदार होता है, और ये जैसे कि ये एंटी जो होता ना कि मान के चले कि जिसको एंटी फंगल जो गुण है, ये मार्केट में सबसे बेस्ट है। इससे बेहतर आपको कोई दवाई नहीं मिलेगी। और एक ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं टैबलेट फॉर्म में लेने के लिए, उसके बारे में मैं आपको बाद के वीडियो में बताऊंगा। और जैसे कि आपको कोई भी अगर डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम है, तो आप पहले डॉक्टर को बताइए, लेकिन डॉक्टर आपको ये वाला दवाई तभी सजेस्ट करेगा जब आपको लगेगा कि आपको में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तभी आपको आपको सजेस्ट करेगा।
देखिए इसको इसकी सलाह डॉक्टर कब देता है, मैं आपको बताता हूँ। इसकी सलाह डॉक्टर आपको तभी देगा जब आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो या एथलीट फुट हो। एथलीट फुट आप सामने देखा होगा कि उंगलियों के बीच में रैशेज हो जाते हैं, वो छाले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए होता है जॉक इच। जॉक इच आपने सुना होगा दाँत का एक प्रकार, दाँत खाज खुजली। जॉक इच मतलब जैसे कि आपको जांघों और जनानों के बीच में जैसे रैशेज पड़ जाते हैं और वो लाल हो जाता है, आप खुजलाते खुजलाते परेशान हो जाते हैं, स्किन लाल से काली पड़ जाती है, फिर उसमें छाले पड़ जाते हैं, फिर वहाँ से दिक्कत और बढ़ जाती है। उतना प्रॉब्लम होने से पहले ही सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ये दवाई डॉक्टर से अगर आप पूछ लीजिए कि डॉक्टर आपके लिए बेहतर होगा, आपको डॉक्टर सबसे बेस्ट आपको यही सजेस्ट करेगा। जैसे कि रिंग वर्म हो, आपको जैसे जो रिंग छल्ले के आकार में बनता है उसको सबसे बेस्ट तरीके से ख़त्म कर देता है। और आपको मैं बता दूँ मार्केट में जो है 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम तक के ट्यूब में उपलब्ध हैं, और लगभग ये 250, 300। अब छोटा सा 5 ग्राम का भी ट्यूब लेंगे तो कम से कम 150 रुपये का वो ट्यूब होगा। ये कम से कम 20 ग्राम का ट्यूब है तो ये कम से कम 255 रुपये का है। थोड़ा जितना बड़ा अमाउंट ट्यूब लेंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये लुलिकेनोजल क्रीम के बारे में है, और ये सबसे बेस्ट दवाई मार्केट में है और इसको मैंने भी यूज़ किया है और ये बहुत बेहतरीन काम करता है। ये हफ्ते भर के अंदर ही आपकी बीमारी को ख़त्म कर देता है। ये नहीं कि आपने कोई दवाई ली से मार्केट में, वो स्टेरॉइड्स वाली दवाई होती है, स्टेरॉइड वाला दुकान वाले से पूछ लीजिए कि जो आप क्रीम ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, कोई भी हो चाहे टैबलेट हो चाहे किसी भी चीज़ की बीमारी के लिए ले रहे हैं, उसे पूछ लीजिएगा कि जो आप दवाई ले रहे हैं वो स्टेरॉइड बेस्ड ना हो। स्टेरॉइड बेस्ड वाली बीमारी दवाइयाँ जो होती हैं आपको वो ज़्यादा बीमारियाँ ज़्यादा साइड इफेक्ट दे सकती हैं उल्टा ही ठीक करने के बजाय। तो इसलिए नॉन स्टेरॉइड बेस्ड में दवाई लीजिए, और ये बहुत ही सर्टिफाइड दवाई है और बहुत असरकारक दवाई है। और इसी के साथ ये वीडियो में इस दवाई के बारे में यही जानकारी है। मैं यही चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।